आप लोगों को गांव घर में देखने को मिलता होगा कि जब किसी जमीन पर केस चलता रहता है, उस केस चलने के दौरान ही चुपके से कोई पार्टी जो है उस जमीन को सेल कर देता है। यानी कि एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट, यानी वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच केस चलता है। अब केस चलने के दौरान वादी या प्रतिवादी दोनों में से कोई क्या करता है कि उस जमीन को चोरी चुपके से किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है। तो क्या वो जो जमीन बेचता है, जो जमीन खरीदा, उस जमीन खरीदने वाले को वो जमीन प्राप्त हो जाएगा? वो जमीन बेचना जायज है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? इसी बात पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसी पॉइंट को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट SS मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि किसी जमीन पर विवाद चलता है, केस चलता है, कोर्ट में अभी ट्रायल चल ही रहा होता है, केस चल ही रहा होता है, डिक्री नहीं हुआ रहता है, केस खत्म नहीं हुआ रहता है, लेकिन उसी बीच में दोनों में से कोई पार्टी जो है उस जमीन को सेल आउट कर देता है, किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है। तो इस स्थिति में जिस आदमी को उसने जमीन बेचा है, वो जमीन उस आदमी को प्राप्त होगा क्या? उस जमीन को जो बेचा गया है वो जमीन उस आदमी के नाम से हो सकता है? तो कानून जो इसके बारे में कहता है वो ये है कि यदि किसी जमीन पर केस मुकदमा चल रहा है, कोई विवादित जमीन है, और उस दरमियान में उस जमीन को बेच दिया जाता है, तो इस स्थिति में जिस पार्टी ने जमीन को बेचा है, यदि डिक्री उसी के फेवर में हुआ, तब तो जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उसका जमीन हो जाता है, क्योंकि उसने पैसे दे के जिसके फेवर में डिक्री हुआ है वो जमीन उससे खरीदा है। लेकिन यदि जिस पार्टी ने जमीन बेचा है उसके फेवर में डिक्री नहीं हुआ, वो पार्टी जजमेंट डेटर हो गया, यानी कि केस हार गया, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यही होगा कि जिसको जमीन बेचा है वो जमीन उसके नाम नहीं होगा, जो डिक्री होल्डर है, जिस पार्टी ने केस जीता है, उसका वो जमीन होगा। अब जिसको जमीन बेचा गया है वो पार्टी क्या कर सकता है? वो पार्टी अपने पैसे की डिमांड कर सकता है, वो जो पैसा दिया है बेचने वाले को उससे वो पैसा अपना रिकवरी करने का डिमांड करेगा कि हमें हमारा पैसा दे दो। यदि वो पैसा दे देता है सीधे तरीके से तो ठीक है, नहीं तो उस पार्टी को अधिकार होता है कि वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी का केस डाल सकता है। यानी मनी, पैसे को प्राप्त करने के लिए, पैसे को वापस पाने के लिए वो केस सिविल कोर्ट में फाइल करेगा, उसके पास यही रिमेडी होता है। साथ ही जिस व्यक्ति ने डिक्री को प्राप्त किया है, यानी जो व्यक्ति जमीन नहीं बेचा था और विवाद उस जमीन पे चल रहा था, वो व्यक्ति चाहे तो जिस व्यक्ति ने केस चलने के दौरान ही कोई विवादित जमीन है और विवादित जमीन पर केस चल रहा है और उसी दरमियान चोरी चुपके से जमीन को बेच दिया और वो डिक्री होल्डर को प्राप्त नहीं हुआ, तो जिसने डिक्री होल्डर को प्राप्त हुआ, जिसने डिक्री होल्डर हुआ है, डिक्री जिसको मिला है, उस पार्टी ने उस पे केस कर सकता है 420 IPC का, यानी चीटिंग का, क्योंकि उसने धोखेदारी से उस जमीन चोरी चुपके से उसे बेच दिया है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए दो भाई है ए और बी, कोई एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसपे ए कहता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी था, बी कहता है मेरा प्रॉपर्टी था। अब था का यहां पे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कागज तो जिसके नाम से है उसी का जमीन होगा। अब पास्ट में किसका था वो तो नहीं पता, वो तो कागज बताएगा ना किसका था और किसका है जमीन अभी। तो डॉक्यूमेंट के आधार पे ए क्या करता है, बी पे केस कर देता है। केस चलता रहता है, उसी दरमियान क्या होता है कि बी उस जमीन को बेच देता है थर्ड पार्टी सी को। अब जब केस चलता है, केस चलने के दौरान बाद में पता चलता है कि यह जमीन तो सी को बेच दिया, अब यहां पर
ए विक्रेता है, सी क्रेता है और बी जो है प्रतिवादी है जिस पे मुकदमा किया है। अब यदि यहां पर ए केस जीतता है तो सी को वो जमीन प्राप्त होगा, यदि ए केस हार जाता है तो सी को सिर्फ पैसा पाने का अधिकारी होगा क्योंकि बी ने केस जीता है तो बी का वो जमीन हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको इस उदाहरण से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।